हम दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फ्रॉम शक्ति वामा यूनिवर्सिटी, दिस सर इज द सेक्रेटरी ऑफ पुलरल्स एंड हियर आई एम योर फेवरेट नीतू। तो ये जो आप सामने देख रहे, देखिए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति, और ये बॉस को देखिए भोजपुरी गाना एकदम बजाते जा रहे हैं ये बैटरी कार में। और ये आप देखिए काली मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे अगर सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगिएगा तो आपको जरूर पूरा हो जाएगा। ये पटना के राजा पुल वाले रोड में है। पर्यावरण को समर्पित ये बैटरी रिक्शा पटना में सत्यभामा के दोस्त आनंद जी और हम सब आज हैं भोजपुरी के साथ आनंद ले रहे हैं। भोजपुरी यानी आपके रूम के खड़े हो जाएंगे, जब भोजपुरी की रियलिटी पता चलेगी आपको तो आपके रूम के खड़े हो जाएंगे। भोजपुरी एग्जैक्टली है क्या, ये भोजपुरी को दिल से समझने वाले लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी को गलत प्रचारित किया जाता है, लेकिन भोजपुरी वैसा है नहीं। आपको अगर देश दुनिया के लोगों को भोजपुरी देखनी है और भोजपुरी का संस्कृति देखना है तो इन दीवारों पर देखिए और इसको महसूस करिए, इस गोलघर को देखिए और इसको महसूस करिए कि ये एक्चुअली में बिहार का कल्चर है, जहाँ पर अंग्रेजों को इस कला ने बहुत प्रभावित किया। और ये है बिहार का गोलघर, और ये है मधुबनी पेंटिंग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। ये वॉल पेंटिंग यहाँ की शान है। आप देखिए उस तरफ दीवारों पे वो मधुबनी पेंटिंग है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग चमक और पहचान रखती है, और उस मधुबनी पेंटिंग को हम जागृत करेंगे, हम बिहार के इस प्राइड को जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में, इसको जागृत करेंगे और बिहार की भोजपुरी बिहार में आके समझिए, दिल्ली में नहीं पता चलेंगे। कैसन बा, ये सभ्यता द्वार मेरे पीछे आप देख रहे हैं अपने आप में एक बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं सभ्यता द्वार, खुला खड़ा सभ्यता द्वार बिहार जो कि सभ्यता का प्रदेश रहा है। और ये बापू साहब आगार और सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, ये गांधी मैदान, ये सब एक गांधी मैदान से न जाने कितने नेता जो आज देश में मंत्री और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन नेताओं का ये गढ़ रहा है। और मूंछ पर कभी मूंछ पर ताव देकर यहीं से जेपी ने छात्र आंदोलन की शुरुआत की थी, और वही वो गांधी मैदान है जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिसको नेतागिरी लॉन्च करना होता है वो यहीं आता है, और ये गांधी मैदान देश के कई नेताओं के करियर का गवाह है। आज निकले हैं पटना में टेम्पू से पटना दर्शन के लिए। देखिए मेरे साथ जो है ना शीशा का बड़ा बड़ा दुकान सब है, ठीक है, सोचे कि भाई गरीब आदमी है तो रिक्शा पर बैठ जाते, बैटरी रिक्शा से उतर के इनका गाड़ी पर बैठ गए, चलो इनको अभी कुछ पैसा वैसा हो जाएगा, क्या कि बहुत भुखमरी है, टेम्पू वाला सबके बहुत EMI देना पड़ता है, अभी क्या करें, लॉकडाउन में मॉनिटोरियम यूज करने के बाद बहुत मुसीबत में पड़ जाता है लोग, तो कहीं ना कहीं पैसेंजर तो ढूंढना ना पड़ता है। हम लोग बैठ गए, क्या चाचा सही बात कर रहे हैं ना भैया, बड़ी मुसीबत झेले है ना इस बार लॉकडाउन में, बहुत भैया बहुत देख के बहुत दुख लगा, तब हम लोग कहे कि बैठ जाते हैं करे गड़िया पर। ये जो पब्लिक है 27 करोड़ का घोटाला गंदगी में पटना नंबर वन, सत्ताईस सौ करोड़ में स्मार्ट सिटी बनाया, देश का नंबर वन गंदा शहर आया, इसका जवाब कौन देगा, कौन देगा बोलो। तो एक बात और, CAA के नाम पे पूरे देश को लड़ाया, सारे उसके जितने सोशल एक्टिविस्ट थे सब BJP में शामिल हो गए, पूरे देश को जला दिया, सारे BJP में शामिल हो गए, क्यों शामिल हुए, हम लड़ते थे CAA के लिए, हम लड़ते थे CAA के लिए, और इन्होंने नौशाद अली शहजाद अली सबको शामिल करा दिया, क्यों पब्लिक मृत्युंजय जी 33 करोड़ का वोट लगा के सिर्फ नाली बनाते हैं, युवा की बात कोई नहीं करेगा, युवा की बात कोई नहीं करेगा, जब 25 साल मानक है विधानसभा पहुंचने का तो कितने लोगों को टिकट देते हैं आप चारों, एक भी लोगों को नहीं, खाली तेजस्वी या तेज प्रताप यादव सर, सर एक मिनट इनसे भी हेलो इनसे भी
आपसे भी मृत्युंजय जी आपसे भी जब मेरा अधिकार है 25 साल में, अरे जब 25 साल में मेरा अधिकार है तो सिर्फ लालू के लाल क्यों पहुंचेंगे विधानसभा? सिर्फ 25 साल में वही हुआ है क्या? 25 साल में सिर्फ लालू जी के लड़के ही हुआ है क्या? हम नहीं है क्या? हमारा अधिकार नहीं विधानसभा पहुंचने का? कितने लोगों को टिकट दिया, कितने लोगों को टिकट देखते हैं? छोड़िए ना, बनेगा, बन गया, मर इतना साल रहता है आपका सपना है। करेंगे राज्य का एक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का नहीं बना 30 सालों में। कौन सी शिक्षा नीति पे काम कर रहे हो यार? पूरी दुनिया बदल जाती है 30 साल। कोई नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है, आप भी 15 साल, वो भी 15 साल, दोनों चार है, दोनों एक दूसरे का बात खत्म कर, आप दोनों एक दूसरे का विषय है। कूद जाइएगा तो बन जाएगा क्या? क्या काम करवाना नहीं है? अरे कभी उस गोद में, कभी उस गोद में, मांदी जी का तो खुद पता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, यही होता है, इस देश का नेता पब्लिक के सवालों से ऐसे भागता है, ऐसे ही भागता है, चाहे वो लालू हो या मोदी हो, ऐसे ही भागते हैं लोग। चलिए हम लोग नहाने, सब पार्टी के लोग हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने सब सीनियर लोग हैं, आराम से तैर रहे हैं, कोरोना लॉकडाउन में मस्ती कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग हैं ये पटना के काली घाट पे हैं, ऐसे ही आज सोचा कि लॉकडाउन है तो घूम लेते हैं इधर उधर, बहुत ही बोर हो रहे थे घर में, तो आप देख रहे हो और अच्छा ही धारा। हाँ, फोटो खींचे क्या? फोटो खींचे। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।